बलदेव, हमने ईरान के बादशाह से अपने निजी लश्कर के लिए 10 ईरानी घोड़े मंगाए थे, वो अब तक आए कि नहीं आए? ईरान के बादशाह ने आपका हुक्म सुनते ही घोड़े रवाना कर दिए। उसकी इतनी जरूरत जो आपके हुक्म उदुली करता। जहां पना, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके सामने सर न झुकाया हो? फूफी फूफू के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाती है। खामोश खरगोश, यहाँ पर ताकत की बात हो रही है, आफत की नहीं। बीरबल, आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप बलदेव की बातों से इत्तफाक नहीं रखते? माफ कीजिएगा जापना, माना कि आप बादशाहों के बादशाह शहंशाह अकबर, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है वक्त। वक्त के आगे बड़े से बड़े बादशाह को भी कभी ना कभी सर झुकाना पड़ता है। बीरबल जी, जहां पना के सामने वक्त ने भी सर झुकाया, तारीख गवाह है, जहां पना के जैसा न कोई बादशाह हुआ है और ना होगा। ठीक कहा बलदेव जी आपने, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जा पना अकबर के बादशाह बनने के पीछे खूबियों के साथ साथ किसी और का भी हाथ, वक्त का और इनके भाग्य का। बीरबल, भाग्य का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, हम नहीं। हमने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से अपना भाग्य खुद बनाया है। जहां पना, हमें लगता है कि आपकी ताकत का एहसास इनको करवाना ही पड़ेगा। बीरबल, हमारे बारे में आपका नजरिया देखकर हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम भी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हम बहुत जल्द आपको यह साबित करके दिखाएंगे कि भाग्य हमें नहीं, हम भाग्य को बनाते हैं। जहां पना को हमने ऐसी राय दी है जिससे बीरबल को बेइज्जत होने से कोई नहीं बचा सकता। कल जहां पना किसी भिखारी को माला माल करके अमीर बना देंगे, जिससे बीरबल को यह पता चल जाएगा कि जहां पना किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मुझे भिखारी बनाकर पेश कर दीजिए हुजूर, जिससे कि वो मुझे अमीर बना दे हुजूर, के बच्चे जिएंगे हुजूर उस तरह कल के। हुजूर, ये तो अभी भी भिखारी बना है, मैं तो सात पुश्तों से भिखारी हूँ हुजूर, भीख मांगना तो मेरे खून में है हुजूर, ये देखिए मैं भिखारी बड़ा पुराना, देता जा एक आना, नहीं तो नहीं बनेगा नाना भैया, नहीं बनेगा नाना। ये क्या बदतमीजी है हुजूर? ये भिखारी बदतमीजी है हुजूर। हुजूर, मैं बड़ा सलीकेदार भिखारी हुजूर, ये देखिए हुजूर, भीख देता जा, दुआएं लेता जा, नहीं तो आगे बढ़ता जा। आगे बढ़ता जा, भीख मांगने आए। बीरबल जी, अभी आपको जहां पना की ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि भाग्य और कुछ नहीं, जहां पना के हाथ का खिलौना है ना जहां पना? बेशक बेशक, भिखारी को पेश किया जाए। सारी हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह देगा, मौला देगा। कटोरे को भीख दे दो, कटोरा दुआ देगा। क्या कह रहे हो भिखारी? हुजूर, कटोरा हूं तो भीख ही मांगूंगा ना। पहले तो आप बैठे क्या, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और हमने आपको यहाँ पर भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया है, हमने तो आपको अमीर बनाने के लिए बुलाया है, रईस बनाने के लिए बुलाया है। इन्हें 1,00,000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। लीजिए लीजिए, अब आप गरीब कटोरे से अमीर कटोरे हो गए। इन मोहरों को लीजिए और जाइए। ये तो कमाल हो गया, अरे लोहे का कटोरा सोने का हो गया। जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो। देखा आपने बीरबल, जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा किस तरह हमने एक गरीब आदमी को, एक भिखारी को अचानक से अमीर बना दिया, रईस बना दिया, भाग्य बदल दिया हमने उसका। अब तो आपको यकीन हो गया कि भाग्य हमारे हुक्म का गुलाम है। नहीं जापना, उस भिखारी के तो भाग्य में लिखा था जापना कि वो आपसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर रईस बन जाए, और आपके भाग्य में लिखा था कि भिखारी को आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे और उसे रईस बना दे। भाग्य का सीधा साधा खेल है। चल जापना की जय हो। जापना, इस कैदी को आपके हुक्म से कल फांसी होने वाली है, लेकिन आज इस कैदी ने कैद खाना तोड़कर भागने की कोशिश की थी। जापना, इसे अभी के अभी फांसी पे लटका दिया जाए। नहीं 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 बलदेव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए, हम आपको मुआफ करते हैं, आपकी फांसी की सजा हम खारिज करते हैं और आपकी जिंदगी हम आपको बख्शते हैं। जाइए, जी लीजिए अब एक नई जिंदगी, जाइए। अब ये क्या था बीरबल, इनके भाग्य में तो मौत लिखी थी लेकिन हमने इनको जिंदगी दे दी, भाग्य बदल दिया हमने इनका। अभी भी आपको क्या शक है कि हम भाग्य नहीं बदल सकते? जापना, आप अब भी नहीं समझे, उस कैदी के भाग्य में आपकी सजा से मरना लिखा ही नहीं था, फांसी पर लटकना लिखा ही नहीं था। भाग्य ने तो सिर्फ आपको एक जरिया बनाया उस कैदी को जिंदगी देने का। ये भाग्य के खेल बड़े अद्भुत होते हैं। फिर से भाग्य का खेल। तक लिया। बीरबल खुद अपनी कब्र खोद रहा है, हम इसे इसकी कब्र में ऐसा धक्का देंगे, ऐसा धक्का देंगे कि हमेशा के लिए उसमें दफन हो जाएगा। ए भाई, पीछे आइए। शहजादे सलीम, शाही खून है हम, इसलिए पहले हम जाएंगे। और मैं इनका छोटा भाई, इसलिए पहले मैं भी। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? मुझे पता है बीरबल जी, अंदर फूफू फूफी का भाग्य बदल रहे हैं और ये सब लोग भी कतार में खड़े हैं और हम भी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यूं कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। शाही खून है हम, आप मानिए या मत मानिए बीरबल जी, लेकिन हम तो मानते हैं, इसलिए हम अब्बा हुजूर के पास उर्वशी के पौलादी महबूब होने के नाते हम उर्वशी का हाथ अब्बा हुजूर से मांग लेंगे। मुझे पता है, उर्वशी का हाथ सिर्फ मैं ही मांगूंगा। उर्वशी का हाथ हम मांगेंगे। मैं मांगूंगा। हम मांगेंगे। मैं मांगूंगा। हम मांगेंगे। मैं मांगूंगा। रानी साहब, क्या हुआ? बीरबल,
जहाँ पना ने हमें नए जेवर खरीदने की इजाजत दी और हमारा भाग्य बना दिया, और उसके बाद मना करके हमारा भाग्य बिगाड़ दिया। पर जापाना ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि आपको बता सके कि वो लोगों का भाग्य बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते, और अब वो इतने गुस्से में है कि वो सबका भाग्य बिगाड़ देंगे। हाँ, मुझे पता है, मुझे भी भागना चाहिए। हाँ जापाना, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आपका भाग्य ऐसे बिगाड़ेंगे कि आप हमारा भाग्य छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारी एक जूती कहाँ भूल गए हम, याद ही नहीं आ रहा, कहीं भूले होंगे, यहाँ भी नहीं है, कहाँ रह गई? हाँ, छोड़ दी हमने अपनी जूती। ओहो, क्या? जी जापना, ईरान के बादशाह ने जिस जहाज में 10 घोड़े आपके लिए भेजे थे, समुद्री लुटेरे ने उसे लूट लिया। रानी साहिबा को क्या हुआ है? कोई दौरा पड़ा है क्या इन्हें? ऐसी कोई बात नहीं है जापाना, आज बहना बहुत खुश है, ईरान के बादशाह ने बैना के लिए ढेर सारे जेवर भिजवाए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर समुद्री लुटेरों ने हमारे घोड़ों वाला जहाज लूट लिया तो जेवर कैसे बच गए? वो भी लूट जाते। जापाना, घोड़े वाले जहाज रवाना होने के बाद ईरान के बादशाह को ये याद आया कि रानी साहिबा के लिए उन्होंने कोई जेवर भिजवाया ही नहीं, तब उन्होंने दूसरे जहाज में जेवर भिजवाए जिसके बारे में समुद्री लुटेरों को पता ही नहीं था। जापाना, हम तो अब भी कहते हैं कि भाग्य की ताकत से बढ़कर कुछ और नहीं, ये सब भाग्य का खेल नहीं तो और क्या है? अगर ईरान के बादशाह घोड़ों वाले जहाज में ही रानी साहिबा के जेवर रखकर भेज देते तो वो भी लूट लिए जाते, लेकिन आपके मना करने के बावजूद रानी साहिबा के भाग्य में नए जेवर थे तो उनको मिल गए, और आपके घोड़े लूट लिए गए। सिर्फ भाग्य का खेल। दुहाई हो जापाना, दुहाई हो। आपने जो इस कटोरा के कटोरे में 1,00,000 सोने के मोहर डाले थे ना, वो सारे के सारे सोने के मोहर कुछ लुटेरों ने इस कटोरा के कटोरे में से लूट लिए। मैं बर्बाद हो गया जापाना। भाग्य का खेल जापाना, भाग्य का खेल। बस, हम भाग्य को अपना ये खेल खेलने नहीं देंगे, इसके भाग्य को बदलकर हम इसे अमीर करके रहेंगे। वजीर आजम जापाना, अभी के अभी इस भिखारी को 2,00,000 सोने की मोहरें दे दी जाए, और उसके साथ साथ इन मोहरों की हिफाजत के लिए हमारे कुछ सैनिक भी इनके साथ भेज दिए जाएं। जी जापाना, बिल्कुल। कमाल हो गया जापाना, कमाल हो गया। इस कटोरा का कटोरा फिर से भर गया। ओहो, बादशाह सलामत सलामत रहे। हे अब क्या कहना चाहते हैं आप बीरबल, बताइए। हमने एक बार फिर इस भिखारी के भाग्य को बदल कर इसे अमीर बना दिया। नहीं जापाना, भिखारी के भाग्य में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं थी नहीं, भाग्य के अनुसार उसके भाग्य में 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो भाग्य ने उसे 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दी। भाग्य का खेल। ये क्या बेकार की बातें करते रहते हैं आप बीरबल, हर बात के बीच में आप भाग्य को घुसा देते हैं। यूं तो हर बात घूम फिर के वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी।
भाग्य भाग्य भाग्य, इस तरह तो इस बात का कभी फैसला ही नहीं होगा। जापना, हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? जापना, हिचकिचाइए मत, इससे आप भाग्य से छोटे साबित हो जाएंगे और मुगलिया सल्तनत के लिए शर्म की बात होगी। नहीं नहीं, हम मुगलिया सल्तनत को कभी भी शर्मसार नहीं होने देंगे। बीरबल जी, जापना, हम ही ने आपके भाग्य को बदलकर आपको राजा बीरबल बनाया था ना, तो लीजिए, आज हम आपका भाग्य आपसे छीनते हैं। हम अपने नवरत्नों से आपको बर्खास्त करते हैं। आपको अपने महल से, अपनी रियासत से, अपने राज्य से बेदखल करते हैं। चले जाइए, निकल जाइए हमारे राज्य से और फिर कभी यहां पर नहीं आइएगा। जो हुक्म जापना। मुलाहिजा होशियार, राजा बीरबल को निकालने वाले, मुझे उदास करने वाले जापना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीरबल को निकालकर हम खुश हैं? अच्छा लग रहा है हमें? खुशियां मना रहे हैं हम? हाँ। जनता दरबार की कार्रवाई। हुजूर, हुजूर, हमारे यहाँ एक कठपुतली का नाच दिखाने वाली राजस्थानी मंडली आई हुई है और हमने उन्हें यही महल में बुला लिया है। अरे वाह, मजा आएगा। हमें कोई मजा नहीं लूटना है, किसी की कला नहीं देखनी है, हमें भगाइए, उन्हें बाहर कीजिए। जापना, हम भागने। गड़ा गंभी, गड़ा बब्बा, गड़ा हुम्बा, बम खंबा गणी, जो भी है आगे बोलिए। मैं बोल लो, गरीब कलाकारा ने यू भगा के जुलम न ढाओ हुजूर। माना के आप राजा इंदर हो, पर मारी कठपुतलिया भी मेनका और रंबा से कमने, यू ठुमके लगावे के असली नर्तकी भी फीकी पड़ जावे। हाँ बहुजूर, मान जाइए ना। ठीक है, देखिए आप क्या क्या दिखाने वाले हैं, दिखाइए। जहाँ पना, जिसके अदी की फांसी की सजा आपने माफ की थी, उसे सांप ने डस लिया, वो मर गया। तो ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? हुजूर, उसने मरते वक्त आपके लिए पैगाम लिखा था। उसने लिखा था, रहमदिल बादशाह ने तो मुझे जिंदगी दी थी, लेकिन मेरे भाग ने मुझसे जिंदगी छीन ली। काश मेरा भाग्य भी बादशाह की तरह रहमदिल होता। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं बोलो, साथियों तैयार हो जाओ और दिखा दो बादशाह अकबर को रंबा और मेनका के ठुमके। वाह वाह, ये हम आपके साथ भी करना चाहेंगे। यहाँ आइए। वाह वाह
वाह वाह वाह। हजूर मैं बोलूं, कैसे लगा आपको मारे खतपतली मेणगा रंबा का नृत्य? कैसा लगा? अरे बहुत खूब बहुत खूब। मतलब ऐसा कठपुतलियों का नृत्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो जो ऐसे सर निकाल के अलग कर दिया था आपने, और आपके रंभा और मेनका का नृत्य तो कमाल का था, माशाल्लाह मजा आ गया। हजूर मैं बोलूं, जो आपको मारे कठपुतली मेनका और रंभा का नृत्य पसंद आया तो उनको बख्शी देकर खुश कर दियो। हजूर क्या आपकी मेनका और रंभा को हम बख्शीश दें? अरे वो तो महज कठपुतलियां हैं, उनके नाच में उनकी क्या तारीफ। बख्शीश, तारीफ, शाबाशी, इनाम अगर किसी को मिलना चाहिए तो सिर्फ उस कलाकार को मिलना चाहिए, यानी कि आपको। हुजूर तो मैं बोलूं, फिर इंसान की भी क्यों तारीफ? इंसान तो वही करे से जो उसका भाग्य करवाए से, तो तारीफ तो भाग्य की होनी चाहिए ना हुजूर? ये बात भी आपकी सही है। कौन है आप? मैं बोलूं बीरबल? बीरबल माफ कीजिए हुजूर, पर आपको सच का एहसास दिलाने के लिए हमें कठपुतली वाला बनना पड़ा। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। मुआफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। आज आपने इस कठपुतली के खेल के जरिए हमारी आंखें खोल दी। सही कहा आपने, हम सब भी तो महज कठपुतलियां ही हैं, जिसकी डोर उस ऊपर वाले उस खुदा के हाथ में। उस कैदी की जिंदगी भी हम बचा नहीं पाए, उसके भाग्य में मौत लिखी थी, उसे मौत मिली। वाह बीरबल वाह, हमें आप पर नाज है बीरबल। हमारा घमंड, हमारा गुरूर आज पूरी तरह टूट गया है बीरबल। हमें ये लगता था कि हम एक राजा हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन हम राजा हैं तो सिर्फ आप लोगों की नजरों में। उस खुदा की नजरों में हम कोई राजा नहीं है, हम तो महज एक कठपुतली हैं आप लोगों की तरह। वो जिस तरह चाहेगा हमें नचाएगा, जो चाहे हमसे करवाएगा। बीरबल हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है, हमें आप पर नाज है बीरबल।